नमस्कार, आइए नारायण क्लास के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग अभी जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज चल रही है ना, पार्ट वन आप लोग देख चुके होंगे और नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। क्योंकि एक सिक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस एक लगातार देखते रहेंगे तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आइए हम आज उसी से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। आज मैंने NCERT का लेसन 8 जो CBSE बोर्ड क्लास 10th की बुक है वहाँ से लिया है हमने क्वेश्चन। आइए उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसी बेस के आधार पे, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। आइए देखिए, हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन, हमारे तीन क्वेश्चन ने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा देखिए यहाँ फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर दिया हुआ है। टेन पी माइनस कॉट आर जो वैल्यू दिया गया है, इसके लिए आपका फिगर भी बना हुआ, वो फिगर आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं फिगर अभी ड्रा करता हूँ। और दूसरे क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है, बाकी रेशियोज निकालना है हमको, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर यहाँ पर ड्रा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। पी क्यू आर है हमारे यहाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा वहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू 12 दिया हुआ है आपका, ठीक है, पी आर 13 दिया हुआ है और एक साइड आपकी गिवन नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को कि जब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन यदि कराए जा रहे हैं तो आप बुक को सामने खोल के रखें, ठीक है ना। बुक को सामने खोल के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन से ये आ रहा है, क्योंकि भाई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे कोई भी रेशियो हमको निकालने के लिए हमको पहले तीनों साइड की जरूरत पड़ती है, थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, तो थर्ड साइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, है ना, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से आपका सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर आपका 13 का स्क्वायर है, पी क्यू आपका 12 का स्क्वायर है और क्यू आर आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 169, 144 क्यू आर स्क्वायर, इधर माइनस कर देंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये आपका आ गया 25 क्यू आर स्क्वायर, और अंडर रूट 25 हो गया आपका, ये आपका क्यू आर की वैल्यू हो गई, यानी ये वैल्यू आपकी 5 हो गई, ठीक है। ये वैल्यू हमको मिल जाने से हमारा सीधे हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है, सीधे हम अपने रेशियो पे चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। क्यू आर के वैल्यू हमको मिल गए हैं पाइथागोरस से। तो अब देखें यहाँ पे हमको टैन पी निकालना है, हम टैन पी पे खड़े जाएंगे एंगल पी पे, और टैन पी का फार्मूला हमको याद होगा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। तो पी पे खड़े हैं, अपोजिट हमारा 5 है और एडजेसेंट इसका 12, ठीक है। कॉट आर लेना है, तो चूंकि कॉट क्या होता है हमेशा टेन का उल्टा होता है, तो हम यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कर लेंगे। अब कौन सा एंगल लेना है, आर लेना है, आर पे खड़े हो जाइए, आर पे खड़े होते ही आपका अपोजिट क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा यानी 12, और आपका अपोजिट क्या मिलना है, सॉरी देखिए अपोजिट या एडजेसेंट की बात हो रही है, एडजेसेंट आपका 5 है और यहाँ पे 12 मिलेगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पे टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 5/12 माइनस 5/12, ये वैल्यू आपकी 0 आ जानी, ठीक है ना। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में हमारा साइन इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है। कैलकुलेट में देखिए आपका क्वेश्चन अभी याद आया है, कैलकुलेट में आपका क्या निकालना है, इसमें कॉस ए और टैन ए निकालना है, कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। काम इसमें वही करना है, चूंकि एंगल पहले से ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे आराम से सॉल्यूशन कर ले, पहले ट्रायंगल फॉर्म कर दें, राइट एंगल ट्रायंगल, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्योंकि देखिए ए जो दिया हुआ है ना, ये एक्यूट एंगल ही होगा, अक्सर एक्यूट एंगल पर ही काम होता है, ठीक है। तो उसको एक्यूट पर रखेंगे, यहाँ कोई एंगल रख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो आइए देखें, साइन ए केवल 3/4 दिया हुआ है, तो साइन ए हमारा होता है क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ए पे हम खड़े हो जाएं, अपोजिट हमारा ये है यानी ये 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 4 है तो ये 4 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखिए आप कई जगह देखेंगे तो यहाँ पे 3 के 4 के लेता है, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो में मान लीजिए यहाँ पे 9 और 12 भी होता तब भी आराम से 4/3 आ जाता है ना। तो यहाँ 3/4 भी लेके चले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जाकर रेशियो में कैंसिल हो ही जाना है रेशियो का। जो आ जाइए साइन ए के मिल गए, फिर भाई पाइथागोरस लगा दें है ना, तीसरी साइड चाहिए हमको, बहुत जरूरी है। जहाँ भी दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत हो उसको भी लिखें, उसका मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं कि जो भी वीडियो आपको आपके लाभ के लिए मैं प्रोवाइड यहाँ से करूँ वो आप तक पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर पाइथागोरस हम यहाँ पर निकाल देते हैं, तो पाइथागोरस हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, ए बी आपको निकालना ही है, और बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, ये 16 हो गया, ये 3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 हो गया ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आपकी अंडर रूट 7 हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7 मिल गई, यहाँ पर अंडर रूट 7 कर दीजिए आप, ठीक है। अब मैंने इसको एलिमिनेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, बस हमारा काम खत्म हो गया। कॉस ए निकालना है, तो कॉस से हमको समझ में आना चाहिए कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब ए पे खड़ा होना, ए पे खड़े हो जाइए, इसका एडजेसेंट आपका रूट 7 है और इसका हाइपोटेनियस 4 है, ये हो गया। टैन ए लेना है, टैन ए के लिए फिर आपको याद हो जाना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन इन दोनों का जुड़ेदार, इन दोनों की मदद से ही बनता है, दोनों का हाइपोटेनियस कैंसिल होकर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बन रहा है, याद करने का तरीका ये भी है ना। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया, तो अपोजिट, अब देखिए टेन ए की बात हो रही है, हाँ ए की बात हो रही है, तो अपोजिट आपका कितना हो गया 3 है, और ये आपका रूट 7। बस 2 मिनट का काम था इसमें, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यहाँ भी लगभग लगभग काम वही है हमारा, है ना। सॉल्यूशन ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लें हम तुरंत, ए बी सी की ही बात हो रही है तो ए बी सी ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉट ए इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, 8/15 है ना। अब कॉट ए का मतलब ही होता है कॉट, जिस क्या होता है कॉट का मतलब हो जाएगा हमारा टेन का उल्टा, टेन में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एडजेसेंट हो गया और ये अपोजिट हो गया। आ जाइए कॉट पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े होते ही हमको एडजेसेंट क्या मिल रहा है, पड़ोसी ये है, ठीक है, और इसका अपोजिट कौन है, ठीक है। तो कॉट ए से हमको ये 2 साइड मिल गई, फिर पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस की बड़ी मदद मिलती है, पाइथागोरस जी ने जो काम कर दिया उसका कहिए मत। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपका है 8 का स्क्वायर और बी सी आपका 15 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 225 जोड़ देंगे यहाँ पे आपका 9, 628 और 289 आ गया। यहाँ ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 289, ये होता है 17 का। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 25 तक का स्क्वायर बिल्कुल न रखें आप लोग, है ना, बहुत आसान होता है, बहुत मज़ेदार भी होता है, याद होने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो आपकी 17 वैल्यू आ गई यहाँ पे, अब आप निकाल दीजिए, साइन ए आपको निकालना है, साइन का नाम लेते ही हमारा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अपोजिट हमारा क्या है, साइन ए पे खड़े होना है, अपोजिट हमारा 15 है और हाइपोटेनियस 17 है, ठीक है। सेक ए निकालना है, सेक हमारे साथ कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सेक में हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए ए पे खड़े हो गए, हाइपोटेनियस लेना है 17 ले लेंगे, ठीक है, और एडजेसेंट लेना है तो 8 ले लेंगे, 17 अपॉन 8, है ना।
कितनी आसानी से और कितने आराम से देखिए क्वेश्चन हो रहा है, और कोई इसमें माथा पची वाला काम नहीं है ना। आइए हम लोग अगला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। चार क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.1 के हो गए हैं जो है, और उसमें कुछ 10 क्वेश्चन हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, ठीक है ना, कि इस चीज़ को आप समझ लें, छोटा छोटा वीडियो समय से देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक अगले वीडियो तक लिए आप सभी को गुड बाय।